नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स वाई सुजैन खान के नाम लिखा इमोशनल पोस्ट, कहीं दिल को छू लेने वाली बात। ऋतिक रोशन और सुजैन खान को एक दूसरे से तलाक लिए लगभग 4 साल हो चुके हैं। इसके बाद भी इन दोनों का रिश्ता आज भी वैसा ही है जैसा कि 4 साल पहले हुआ करता था। कई बार इन दोनों को एक साथ अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताते हुए देखा गया है और कई दफा तो इन दोनों को दोस्तों के साथ डिनर डेट पर भी जाते स्पॉट किया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ साथ इन दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। इन दोनों ने लोगों के सामने ये मिसाल पेश की है कि अगर दिल आपस में जुड़े हों तो कोई कागज का टुकड़ा आपको अलग नहीं कर सकता। खुद ऋतिक भी इस बात से इत्तफाक रखते हैं, जिसका सबूत उन्होंने खुद एक मैसेज के जरिए पेश किया है। बता दें, तलाक के इतने सालों बाद ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स वाई सुजैन खान के नाम एक बेहद स्पेशल मैसेज लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने दिल का हाल बयां किया और ये भी बताया कि अलग होने के बावजूद सुजैन उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अपनी पत्नी सुजैन का एक वीडियो शेयर करते हुए ऋतिक ने लिखा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और एक्स वाइफ सुजैन खान, जो फिलहाल मेरी और मेरे बच्चों की तस्वीरें खींच रही है। ये खुद में एक यादगार लम्हा है जो हमारे बच्चों को बताता है लाइन और आइडिया में बटी इस दुनिया में एक साथ रहना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ऋतिक ने आगे लिखा, यहाँ से ही एक ऐसी दुनिया की शुरुआत होती है जहाँ प्यार सबको एक साथ जोड़ कर रखता है, जहाँ सब बहादुर है, आजाद है और इस सब की शुरुआत होती है आपसे और आपके घर से। गौरतलब है कि 14 साल एक साथ रहने के बाद ऋतिक रोशन ने साल 2014 में सुजैन को तलाक दे दिया था और उस समय अफवाहें थी कि दोनों के बीच काफी मतभेद चल रहे हैं, लेकिन समय के साथ इन दोनों ने सारी अफवाहों को झूठा करार दिया और तलाक के बाद भी दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं। वैसे खबरें तो पिछले दिनों ये भी आ रही थी कि ऋतिक और सुजैन एक बार फिर से शादी कर सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी तक इन दोनों ने कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन एक बार फिर जब अब ऋतिक ने अपनी एक्स पत्नी सुजैन के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा है तो लगने लगा है कि अब भी इन दोनों के दरमियान प्यार बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।